दोस्तों एक बार फिर से तैयार हो जाइए साउथ की कुछ अमेजिंग मूवीज एंड क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में जानने के लिए, जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको एंगेज करके रखती है। साथ ही दोस्तों ये सभी मूवीज अभी हाल ही में हिंदी भाषा में डब हुई है। अगर आप भी साउथ की इन मूवीज को देखना चाहते हो तो इन मूवीज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। हमारे काउंटडाउन के नंबर वन पर आती है ड्राइवर जमुना मूवी। दोस्तों ये 2022 में आई तमिल भाषा की एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली। वहीं गूगल यूजर्स ने मूवी को 86% लाइक किया और इसकी लीड स्टार कास्ट में ऐश्वर्या राजेश, जो मूवी में जमुना का कैरेक्टर प्ले कर रही है। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में, तो मूवी की कहानी में अपने पिता की मौत के बाद जमुना अपने पिता की तरह कैब ड्राइवर का काम करने का फैसला करती है। लेकिन तीन खतरनाक क्रिमिनल जमुना की कैब में बैठते हैं, जो XML को मारने के लिए निकले हुए हैं। लेकिन कहानी में तुष्ट तब आता है जब इनके पीछे पुलिस पड़ जाती है और ना चाहते हुए भी जमुना क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हो जाती है। अब आखिर कैसे कैब ड्राइवर जमुना इस सिचुएशन से बाहर निकलती है, इन सब के बारे में जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। दोस्तों इस मूवी में आपको सस्पेंस थ्रिल सब कुछ देखने को मिलने वाला है, इसलिए इस मूवी को एक बार वॉच जरूर करें। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। हमारे काउंटडाउन के नंबर टू पर आती है राणा मूवी। दोस्तों ये 2022 में आई कन्नड़ भाषा की एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली और गूगल यूजर्स ने मूवी को 92% लाइक किया। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में, तो मूवी की कहानी में राणा एक कैब ड्राइवर है। बारिश की एक रात में राणा की मुलाकात नशे में धुत कपाली से होती है, जो शहर का एक नामी गुंडा है। लेकिन कहानी में तुष्ट तब आता है जब कुछ ही मिनटों में कपाली की रहस्यमय तरीके से हत्या हो जाती है और राणा इस हत्या के मामले में बुरी तरह फंस जाता है। अब आखिर राणा इस सिचुएशन से बाहर कैसे आएगा और अपनी बेगुनाही साबित करेगा, यही सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये मूवी आपको काफी पसंद आने वाली है। हमारे काउंटडाउन के नंबर थ्री पर आती है थनकम मूवी। दोस्तों ये 2023 में आई मलयालम भाषा की एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली। वहीं गूगल यूजर्स ने मूवी को 90% लाइक किया। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में, तो मूवी की कहानी में कर्णन अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोने का इलीगल व्यापार करता है और सोने की डिलीवरी करते समय पुलिस कर्णन को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन कर्णन पुलिस को घूस देकर वहां से निकल जाता है और पुलिस से छूटने की खुशी में वह होटल में जाकर एंजॉय करने का प्लान करता है। लेकिन कहानी में तुष्ट तब आता है जब उस होटल के रूम में कर्णन की लाश मिलती है। अब आखिर कर्णन की हत्या किसने की और क्यों, यही सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। दोस्तों मूवी का क्लाइमैक्स आपको बुरी तरह हिला के रख देगा, इसलिए इस मूवी को एक बार जरूर वॉच करें। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। हमारे काउंटडाउन के नंबर फोर पर आती है कापा मूवी। दोस्तों ये 2022 में आई मलयालम भाषा की एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली। वहीं गूगल यूजर्स ने मूवी को 80% लाइक किया। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में, तो मूवी की कहानी तिरुवनंतपुरम की एक गैंग से शुरू होती है, जहां उस गैंग से सब डरते हैं। लेकिन कहानी में तुष्ट तब आता है जब एक IT इंजीनियर आनंद इस गैंग के अंदर शामिल होता है, तो चीजें एक भयानक मोड़ ले लेती है। अब आखिर आनंद वहां पे क्यों आता है, उसके आने का मकसद क्या है, इसके पीछे क्या कोई मिस्ट्री होती है, यही सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। दोस्तों मूवी बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए इस मूवी को एक बार वॉच जरूर करें। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों इनमें से कौन कौन सी मूवी आपको पसंद आई हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप भी साउथ की फिल्मों के जबरदस्त कॉन्सेप्ट के दीवाने हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जल्द मिलते हैं एक और जबरदस्त मूवी काउंटडाउन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।